बैजनाथ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय इंटर कॉलेज महिला कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक मुल्क राज प्रेमी ने शिरकत की। प्राचार्य सुशील कुमार मेहता व स्टाफ के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पंडित संतराम राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय इंटर कॉलेज महिला कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक मुल्क राज प्रेमी ने शिरकत की। प्राचार्य सुशील कुमार मेहता व स्टाफ के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक मुल्क राज प्रेमी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेले भी उतनी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज के क्षेत्र में सबसे आगे हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या खेल की या फिर राजनीतिक गतिविधि हो, सभी जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की तथा अपनी ऐच्छिक निधि से 31,000 रुपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुल्क राज प्रेमी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि इंटर कॉलेज वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के 17 महाविद्यालयों से लगभग 100 पहलवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा रुचि कपूर, मनोनीत पार्षद प्रकाश डोगरा, वीरेंद्र राणा, भीखम कपूर, शीतल प्रसाद तथा महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आज महिला कुश्ती प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है, मैं इसके लिए प्रधानाचार्य और स्टूडेंट महोदय युद्धवीर राणा जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या चाहती जो है खिलाड़ी खेल कर आते हैं तो ये हिमाचल से भी काफी है और आज इन खेलों से भी मैं तो आज आपको बधाई देता हूँ कि ये मैं पहली बार यहाँ पर इस प्रतियोगिता में आया और इस प्रतियोगिता से आज हमने सभी को यही एक संदेश देना है कि खेलों से बढ़कर भी कुछ नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र के साथ साथ हमें जो है खेलों में भी अपनी महत्ता जो देना है और विशेष